हिंदुस्तान के इतिहास में नक्सलियों का सबसे बड़ा अटैक। एक तरफ 400 नक्सली, दूसरी तरफ 22 सीआईएसएफ के जवान। फिर इन दो जवानों ने ऐसा क्या किया? ऐसी कौन सी शौर्य गाथा लिखी जिससे ये राष्ट्रपति की नजर में शूरवीर साबित हुए? इन्हें वीरता का पुरस्कार दिया गया। इंडिया न्यूज पर शौर्य गाथा के इस खास एपिसोड में सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम के साथ मैं राकेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। उड़ीसा के कोरापुट जिले में दामन जोड़ी इलाका नौलको की बॉक्साइट मैगजीन में सीआईएसएफ के करीब 22 जवान तैनात थे। तभी करीब 400 नक्सलियों ने हमला बोला। मकसद साफ था, बॉक्साइट मैगजीन पर कब्जा करके वहां पर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स को जब्त कर लेना, उन्हें अपने कब्जे में लेना। सोचिए 400 नक्सलियों से घिरे होने के बावजूद क्या कोई टीम या फिर कोई जवान रिटेलिएट कर सकता है क्या? लेकिन सलीम खान ने न सिर्फ अपने साथियों के साथ रिटेलिएट किया बल्कि 400 नक्सलियों को वहां से भागने पर मजबूर भी कर दिया। 12 अप्रैल 2009 की तारीख न सिर्फ सलीम खान ने बहादुरी दिखाई थी बल्कि उनके साथ धर्म सिंह भी थे और इन्होंने भी डटकर मोर्चा लिया था, डटकर लोहा लिया था उन 400 नक्सलियों से और एक अहम भूमिका निभाई थी उनको वहां से मार भगाने में। धर्म सिंह की भी कहानी उन्हीं की जुबानी हम अगले आधे घंटे में आपको सुनाएंगे। जैसा आपने सुना और सिर्फ इतने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि 12 अप्रैल 2009 की रात में कितना बड़ा घमासान हुआ होगा। बारह अप्रैल 2009 को नालको दामन जोड़ी के मैगजीन में मैं पोस्टेड था। करीब 9:30 बजे रात में वहां पे 400 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमारे मैगजीन पे अटैक कर दिया और हमारे सभी बल सदस्य मिलते हुए हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मार भगाने और मारने में उनको साबित हुए हम लोग। ये सलीम खान है, इन दिनों डीएमआरसी की क्विक रिस्पांस टीम में मास्टरमाइंड है। मतलब अगर जिस मेट्रो में दिल्ली वाले महफूज होकर सफर करते हैं उस पर किसी तरह का खतरा आता है, यानी आतंकी हमला होता है, तो सलीम खान जैसे जवान उसका करारा जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। लेकिन अपनी जिंदगी की अभी तक की सबसे मुश्किल लड़ाई सलीम ने लाल आतंक से लड़ी। तब रात भी ठहर गई थी और घड़ी की सुइयां थी। शायद लाइफ में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी लंबी ये रात थी। हमने सुना था कि नक्सली आते हैं घंटे दो घंटे में चले जाते हैं, लेकिन हमने बार बार घड़ी की तरफ अपनी नजर देता था तो घड़ी का काटा ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुक चुका है, उसकी सेल ही खत्म हो गई वो घड़ी। तब सलीम और धर्म की पोस्टिंग ओडिशा के कोरापुत के नजदीक दामन जोड़ी में थी। ये है कोरापुत और ये रहा दामन जोड़ी, जहां सलीम खान के साथ उनके सबसे करीबी दोस्त धर्म सिंह भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर बहादुरी की ऐसी गाथा लिखी कि ये कह पाना मुश्किल है कि किसने ज्यादा जाबाजी दिखाई। दामनजोड़ी माइंस के मैगजीन का लोकेशन चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दुर्गम इलाका, नक्सलियों की पूरी लश्कर और नालको की बॉक्साइट मैगजीन का माइन, जिसकी सुरक्षा में 26 सीआईएसएफ के जवान तैनात थे। सलीम खान और धर्म सिंह भी उन्हीं जवानों में शामिल थे। रात के करीब 9 बजे होंगे, पोस्ट पर तैनात सब इंस्पेक्टर को सर्च लाइट में करीब 1 किलोमीटर दूर कुछ परछाइयां तैरती दिखाई और देखते देखते परछाई लाल आतंक में तब्दील हो गई। सलीम और धर्म कहते हैं हर तरफ से नक्सली आने लगे। आप लोगों ने पहले टॉर्च दिखाया, उसके बाद उधर से फायर हुआ, तब आप लोगों को लगा कि अटैक हुआ। हमारे वहाँ मैगजीन में से सब इंस्पेक्टर सुभाष प्रधान थे, जिन्होंने मतलब एक वहाँ के इंचार्ज थे और उन्होंने अलार्मिंग सिस्टम से और बेल सिस्टम से हमें बताया कि यहाँ पे नक्सली अटैक करने वाले हैं। कुछ उन्हें इस तरीके से डाउट लगा कि नक्सलियों की या किसी तरह की आहट कुछ सी मिली उन्हें, तब तक उन्होंने सर्च लाइट्स के द्वारा देखा इधर उधर कि कुछ हरकत सी महसूस हो रही है। तब तक देखा गया कि चारों तरफ से नक्सली अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हमारे मैगजीन पे अटैक कर चुके थे।
9:30 बजे के रात के आसपास मैं ड्यूटी से चढ़ ही रहा था, उस समय अचानक 400 नक्सलियों ने चारों तरफ से फायरिंग करते हुए हमारे मैगजीन पे अटैक किया। हमने अपने साथियों को बताया, अलार्मिंग सिस्टम से बताया, और भी साथी हमारे एक दूसरे से मैसेज पास किए कि चारों तरफ से लगभग इतने 200 किसी साइड से 150 किसी साइड से 200 नक्सली आ रहे हैं। तो हम लोग अंदाजा लगाए कि लगभग 400 नक्सली हमारे मैगजीन के ऊपर में अटैक कर चुके हैं। नक्सली पहुंच गए थे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। आने से पहले उन्होंने 17 किलोमीटर के इलाके की पूरी नाकेबंदी कर दी थी। सड़कों पर पेड़ काट कर डाल दिए गए, मतलब सड़क पर। जंगल के रास्तों पर लैंडमाइन लगा दी गई, और खुद गुप्त रास्ते से जब माइंस के पास आ गए तो पीछे से आईईडी लगा दी, मतलब अगर पीछे से सपोर्ट के लिए फोर्स आए तो वो मौके तक पहुंच ही ना पाए। एक ही सड़क था जाने का, और पूरे 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक उन्होंने पेड़ काट के माइंस के द्वारा उनको पूरा ब्लॉक कर चुके थे, और जगह जगह पर एम्बुस लगा लिए थे। तो वहाँ पे हमारे कोबरा बटालियन के भी वहाँ पे डीसी और उनके जो टीम थी पूरी आ चुकी थी, लेकिन लोकेशन इतना साथ नहीं दिया कि वहाँ तुरंत पहुँचा जा सके। मतलब साफ, नालको की बॉक्साइड माइंस का ये पूरा इलाका अब रण क्षेत्र बन चुका था। नक्सलियों ने आते ही सबसे पहले करीब 100 कर्मचारियों को बंधक बना लिया, और फिर उसके बाद एक साथ भयानक तरीके से हमला बोला। लेकिन उनके रास्ते में दो सबसे बड़ी बाधाएं थी। गेट के ठीक नजदीक के मेन पोस्ट पर सलीम खान की तैनाती थी, जो एलएमजी पर थे, जबकि सलीम से करीब 200 मीटर दूर फौलाद की तरह खड़े धर्म सिंह, जो एग्जिट पर मौजूद थे, जिसे नक्सली एंट्री बना लेना चाहते थे। हमने अपनी सूझबूझ से अपनी एलएमजी को खोला और उनको ऊपर में लगातार फायर करता रहा। जिधर से मूव कर रहे थे उधर उधर उनको फायर करता रहा, और कई नक्सली उसमें मारे भी गए। आप 22 लोग थे, बचे सिर्फ 12 लोग थे, इसके बाद ये ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा? देखिए, हमारा जो एलएमजी पोस्ट था उनको वो टारगेट बना के रखे थे, क्योंकि हमारा जो एलएमजी पोस्ट था चारों तरफ मैगजीन में पूरा कैप्चर करके रखा था, और जहां से भी नक्सली पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस एलएमजी को किसी तरह अपने कैप्चर में ले ले। लेकिन मैं भी इस चीज को भाप चुका था, और हमारे पास सफिशियंट एम्युनेशन थे और उनको मारने के लिए काफी थे वो। इधर सलीम नक्सलियों के सामने चट्टान की तरह खड़े थे, दूसरी तरफ धर्म की एक एक गोली एक एक दुश्मन का काम तमाम कर रही। इन दोनों की फौलादी बहादुरी ने नक्सलियों में भगदड़ मचा दी, क्योंकि सलीम और धर्म सिर्फ फायरिंग नहीं कर रहे थे, ये दोनों कंट्रोल फायर कर रहे थे। एक एक गोली नपी तुली इनके दिमाग में था कि इसी टैक्टिक से वो नक्सलियों को पूरी रात रोक कर रख सकते हैं। हमने एक गोली एक दुश्मन को टारगेट लेते हुए बहुत कंट्रोल से एम्युनेशन को फायर किया, और हमारे पास लगभग 12 सराउंड एम्युनेशन हमने सुबह तक बचा लिया था। और मुझे ऐसा फील था कि लोकेशन इतना खराब है यहाँ का, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा, यहाँ हमारे पास रात में आना हमारे रेस्क्यू टीम या री इन्फॉर्मेंस पार्टी का मुश्किल था। नक्सली समझ नहीं पा रहे थे कि अब करें क्या, क्योंकि उनके हर हमले का कड़ा जवाब सीआईएसएफ की तरफ से मिल रहा था, लिहाजा उन्होंने अपनी रणनीति बदली। कवर फायरिंग में एक बड़ी टीम को उलझाकर उन्होंने अपने छठे हुए लड़ाकों की एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई, और अचानक से भारी फायरिंग करते हुए पोस्ट तक आ गए। लड़ाई के दौरान जिस समय मैं और सलीम खान के साथ में अपने पोस्ट पे तैनात थे, और दुश्मनों का जवाब हम अपनी गोली से दे रहे थे, उसी दौरान रात में हमें ऐसा लगा जैसे नक्सलियों का की तरफ से उनको अपना कमजोरी महसूस हो रहा था। तो रात में 2:30 से 3 बजे के आसपास नक्सलियों की तरफ से 8 से 10 का ग्रुप एक री एनफोर्समेंट के रूप में आया, और उन्होंने हमारे ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग किया। दोनों तरफ से भारी फायरिंग चली रही थी, सीआईएसएफ के दूसरे जवान भी करारा जवाब दे रहे थे, तभी धर्म सिंह की मैगजीन खत्म हो गई। उसने अपने दोस्त सलीम खान को बताया कि अब क्या किया जाए, तुरंत अगर मैगजीन नहीं मिली तो नक्सली घुस जाएंगे। लेकिन सलीम खान ने अपनी जगह दूसरे जवान को तैनात किया, और खुद क्रॉलिंग करते हुए मैगजीन के साथ धर्म तक पहुंच गए। रात में एक दौर ऐसा आया था कि धर्म भाई का एम्युनेशन खत्म हो गया, और मुझे कॉल किए, और मैं क्रॉलिंग करते हुए गया, इन्हें एम्युनेशन पहुंचाया, और मैंने एम्युनेशन लेके
दोबारा अपने हथियार में लोड करके और फायर में शामिल कर लिया। सूची चारों ओर से फायरिंग चल रही थी और इस बीच अगले मोर्चे तक सलीम खान साहब पहुंचे और धर्म सिंह तक 200 राउंड गोलियां पहुंचाई ताकि जो है वो अपने ऑपरेशन को जारी रख सके, फायरिंग जारी रख सके। इस 8-9 घंटे में अंदाजा क्या होगा, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? इस 8-9 घंटे में अंदाजा लगभग 4000 के आसपास राउंड हमने फायर किए सभी साथियों ने मिलकर। तो ये एक बहुत शोचनीय बात है कि इतना ज्यादा राउंड फायर करना नक्सली को, तो नक्सली कितने ज्यादा राउंड लेकर आए होंगे। नक्सलियों को लग गया कि अब सीआईएसएफ की इस चट्टानी लाइनअप को तोड़ना मुश्किल है। दूसरी बात ये कि सुबह होने वाली थी और तीसरी ये कि सीआईएसएफ की मदद के लिए सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन पहुंच चुकी थी, लिहाजा उन्होंने इस ट्रिपल खतरे को भांपते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। धर्म सिंह के मुताबिक 4:30 बजे नक्सलियों की तरफ से आखिरी जवाब मिला। नक्सलाइट 4:30 बजे तक लड़ाई करते रहे, जिस समय अंतिम 4:30 बजे उन्होंने एक स्मोक बम छोड़ा और जब हमने देखा कि 4:30 बजे अभी फायरिंग बंद हो गई, हमने अपना मोर्चा संभाले रखा और सुबह तक लड़ते रहे। तब तक 4000 राउंड की फायरिंग हो चुकी थी, दर्जन भर से ज्यादा स्मोक बम हथगोले फट चुके थे, सीआईएसएफ के 10 जवान शहीद हो चुके थे, कई नक्सली मारे जा चुके थे, लेकिन न तो माइंस कैप्चर हो पाई थी और न ही सलीम धर्म के रहते ये संभव दिख रहा था। देश ये बल हमको इसी कार्य के लिए, इस समय के लिए तैनात किया है, तो क्यों ना हम कर सकते इस कार्य को, यही सोच के मैंने रात भर फायर करता रहा। तो हमने यही टारगेट लिया, जब तक अगर हम जिंदा रहेंगे तब तक ये अमुनेशन हमारे लिए काफी है और उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए काफी था हमारे पास। इस तरह नक्सली भाग खड़े, उनका बड़ा नुकसान हुआ, करीब 50 नक्सली मारे गए। जल्दी में भागते हुए उन्हें हथियार छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में उनकी मुठभेड़ उस फोर्स से भी हो गई जो सीआईएसएफ को बैकअप देने आ रही थी, लेकिन दामन जोड़ी का खदान बच गया। 10 मार्च 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री ने सीआईएसएफ के रेजिंग डे परेड में सलीम और धर्म को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल दिया। हादसे के समय कांस्टेबल धर्म सिंह, जो अब सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, मोर्चा नंबर 6 पर तैनात थे। सब इंस्पेक्टर सिंह ने अपने दो साथियों कांस्टेबल सलीम खान और कांस्टेबल देवेंद्र प्रसाद के साथ मोर्चा संभालकर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार ने सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह को उनके उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं अनुकरणीय साहस के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा है। सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह। कांस्टेबल सलीम खान सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह के साथ मोर्चा नंबर 6 पर तैनात थे। रण कौशल के साथ लड़ते हुए कांस्टेबल खान एवं उनके साथियों ने नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार ने उनकी लाजवाब हिम्मत और बहादुरी के लिए कांस्टेबल सलीम खान को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया है। कांस्टेबल सलीम खान। आपको जानकर हैरानी होगी कि दामन जोड़ी में नक्सलियों से लोहा लेने वाले धर्म सिंह की शादी 15 दिन बाद ही थी। तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, शादी से पहले की बात है ये, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी उस समय कि ऐसा हो गया इनके साथ। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड ने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है और उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। धर्म की पत्नी की तरह सलीम खान की पत्नी भी कहती है कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके पति ने इस स्तर की बहादुरी दिखाई, लेकिन उन्हें फक्र है। पहले हाँ पता चला था यही कि मतलब ये सब हादसा हुए। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जा। सलीम खान के मुताबिक उन्होंने अपनी माँ को काफी बाद में बताया कि वो इस तरह की मुसीबत से लड़कर आए हैं।
इस ऑपरेशन के लगभग हमने जब छुट्टी गया तब अपनी माँ को घर में आराम से खाने के वक्त हमने माँ को बताया कि माँ हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घट गई। माँ तो पहले बहुत रोई, उसके बाद बोली कि चल बेटा तूने कुछ देश के लिए कम से कम किया है, कुछ अच्छा काम किया है। तो माँ ने मुझे शाबाशी दी और आगे भी अच्छा काम करने के लिए मुझे दुआ दी। हमको चार पाँच महीने बाद हमको सब पता चला, जब बच्चा मेरा वहाँ से एकदम हादसा हुआ था आया घर छुट्टी लेकर, वहाँ से मीडिया वाले सब वहाँ पहुँचे, वहाँ से पत्रकार सब पहुँचे। इस भयंकर हमले में सीआईएसएफ ने नालको के 100 से अधिक कर्मचारियों को बचा लिया। 10 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की आन बान और शान की आखिरी सांस तक रक्षा की। सलीम धर्म की जोड़ी को लेकर उनके कमांडेंट कहते हैं कि आज भी पूरी बटालियन को इन दोनों से सीख मिलती है। हमारे यूनिट के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह और कांस्टेबल सलीम खान दोनों ही बड़े बहादुर हैं। दोनों की उपस्थिति से यूनिट का वातावरण बड़ा ही प्रेरणादायक रहता है। दोनों हमेशा ही बड़ी सिंसियरिटी हार्ड वर्किंग के साथ काम करते हैं। न केवल ये अपने आप को फिट मेंटेन और हमेशा आगे रखते हैं बल्कि बाकी जवानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अक्सर अपनी क्यूआरटी टीम को इनके साथ जोड़ते हैं ताकि हमारी क्यूआरटी टीम इनके फील्ड में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर वो इनकी फील्ड टैक्टिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके इस पूरे जीएमआरसी यूनिट को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रखे। सलीम धर्म आज भी मौके की तलाश में, वो कहते हैं कि आज जो कुछ है वो सीआईएसएफ की बदौलत है, जिसमें उन्हें न सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला बल्कि खुद को देश के लिए तैयार रखने का जज्बा भी मिला। आज भी दोनों उसी तरह तैयार हैं, बस दुश्मनों से दो दो हाथ के लिए मौके की देर है। शान तेरी कभी कम न हो ए वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो ए वतन, मेरे वतन।